आज हम नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 32nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा रिकमेंडेशन को इफेक्टिव करता है। ये नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। 32nd जीएसटी काउंसिल में ये डिसीज़न लिया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा के 40 लैक्स कर दिया जाएगा, और कुछ स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो इस रजिस्ट्रेशन लिमिट को 20 लाख तक रख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए इस रजिस्ट्रेशन की लिमिट में कोई चेंज नहीं किया गया था, उनकी रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख तक ही रहेगी, जो कि अनचेंज्ड है। चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 10 में किन किन पर्सन्स के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट को 40 लाख तक बढ़ा दिया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 सेंट्रल टैक्स ये कहता है कि जिन भी एनी पर्सन एंगेज इन द एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है और उसकी टर्नओवर 40 लैक्स इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं करती है, तो उसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन है कि वो पर्सन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो इस जीएसटी एक्ट के अंडर, जो कि सेक्शन 4 में डिस्क्राइब किया गया है। इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगी। सेकंड एक्सेप्शन के बारे में बात करता है कि एनी पर्सन हु इज़ डीलिंग इन द प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, जो कि जनरली कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनमें आप डील कर रहे हो नहीं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, नहीं आपको बढ़ी हुई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट का फ़ायदा मिलेगा। तीसरी एक्सेप्शन की बात करें तो तीसरी एक्सेप्शन आती है कि कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन लिमिट को जो अनचेंज रखा है, यानी कि 20 लाख ये रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसमें लास्ट एक्सेप्शन आती है कि जिसने जीएसटी एक्ट के अंदर वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हैंप जो इस नोटिफिकेशन इशू होने से पहले, और वो अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे उनकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, 20 लाख से ऊपर हो या 40 लाख से कम हो। ये जो नोटिफिकेशन है ये फर्स्ट अप्रैल 2019 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 से अप्लीकेबल है। थैंक यू।